एक ऐसा गांव जिसकी पहचान देश में ही नहीं विदेशों में भी है। एक ऐसा गांव जिसकी चर्चा किताबों में की जाती है। एक ऐसा गांव जहां बेटियों के जन्म पर लगाए जाते हैं 111 पौधे। यह अनोखा गांव कहीं और नहीं बल्कि भारत में ही मौजूद है। इस गांव का नाम है पिपलांत्री, जो राजस्थान के राजसमंद जिले की एक पंचायत है। ये जिले से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। करीब 6000 की आबादी वाले इस गांव में हरे भरे पेड़ हर हाथ में काम है। यहां हर बेटी के पैदा होते ही एफडी करा दी जाती है। इस गांव को आदर्श ग्राम, निर्मल गांव, पर्यटन ग्राम, जल ग्राम, वृक्ष गांव, कन्या गांव, राखी ग्राम जैसे विविध उपमाओं के साथ देश भर में पहचाना जाता है। इस गांव पर सैकड़ों डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। यहां न सिर्फ देश के कोने कोने से पर्यटकों का जमवाड़ा लगा रहता है बल्कि विदेशी पर्यटकों को भी ये गांव अपनी ओर खींच लाता है। बता दें कि आदर्श गांव किसी सरकार की मदद से नहीं बल्कि ग्रामीणों और उनके पूर्व सरपंच की मेहनत का नतीजा है। जहां पहले समस्याओं का अंबार था, इस गांव की कामयाबी की शुरुआत होती है साल 2005 से, जब पंचायती चुनाव में गांव के युवा राजनेता श्याम सुंदर पालीवाल गांव के सरपंच चुने जाते हैं। उस वक्त गांव बदहाली का शिकार था। पानी की कमी, सिंचाई के साधन नहीं थे, खेत बंजर हो रहे थे, बेरोजगारी थी, नौजवान नशे का आदी बन रहा था, अच्छी शिक्षा नहीं थी, गांव में समस्या मुंह बाए खड़ी थी। तब सरपंच श्याम सुंदर पालीवाल ने गांव में पानी की समस्या दूर करने की ठानी। ग्रामीणों के साथ मिलकर बरसात के पानी को दर्जनों जगहों पर एकत्र करवाया, पौधा रोपण के लिए लोगों को जागरूक किया, गांव की हजारों एकड़ सरकारी जमीनों को कब्जे से मुक्त करवाया, वहां पेड़ लगवाए, शिक्षा के लिए माकूल इंतजाम करवाए, स्कूल की बिल्डिंगों की मरम्मत करवाई। देखते ही देखते गांव की तस्वीर बदलने लगी। बदहाल गांव में खुशियां बिखर गई, बंजर खेत लहलहाने लगे। जिस गांव में पानी का जल स्तर 500-800 फीट नीचे गहरा चला गया था, आज वहां पानी के बुलबुले फूट रहे हैं। वो 40-50 फीट पर आ गया है। हर तरफ हरे भरे पेड़ लोगों को सुकून देते हैं। पिपलांत्री गांव में एक दिलचस्प बात ये है कि यहां के लोग पौधा रोपण को लेकर इतने जागरूक हैं कि यहां बेटी के पैदा होने पर 111 पेड़ लगाए जाते हैं। फिर जब वही बेटियां बड़ी हो जाती है, तब वह उन पेड़ों को अपना भाई मानते हुए राखी बांधती है। इसके लिए एक बड़ा आयोजन होता है, फिर वह उन्हें पाल पोस कर बड़ा करती है, उनका ख्याल रखती है। यहाँ बेटी के जन्म होने पर उसकी एफडी करा दी जाती है। जब उस बेटी की शादी होती है, तब उन पेड़ों को बेचकर जो पैसा मिलता है उसे उसकी शादी में खर्च कर दिया जाता है। इस स्मार्ट गांव में लड़कों से आगे लड़कियां रहती है, महिलाओं के पास भी रोजगार है। वहीं जब इस गांव में किसी ग्रामीण की मौत हो जाती है, तब उसकी याद में 11 पेड़ लगाए जाते हैं। उनकी ये मुहिम लोगों के लिए मिसाल है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिपलांत्री गांव लगभग 4 लाख पेड़ लगाए जा चुके हैं। आज श्याम सुंदर वहां के सरपंच नहीं है, लेकिन उनकी राह पर ही आज ये गांव तरक्की की मिसाल बन रहा है। दूर गांव के सरपंच भी इनसे सलाह लेने के लिए आते हैं। साल 2007 में इन्हें तत्कालीन राष्ट्रपति के द्वारा पिपलांत्री को स्वच्छ ग्राम पंचायत बनाने के लिए पुरस्कार से नवाजा गया था। राजस्थान सरकार ने पिपलांत्री के तर्ज पर 200 से ज्यादा पंचायतों को विकसित करने की योजना चलाई है। महाराष्ट्र सरकार ने श्याम सुंदर को जल संरक्षण कमेटी में सम्मानित सदस्य बनाया है। कुछ साल पहले बॉलीवुड सुपरस्टार अमिताभ बच्चन होस्ट कौन बनेगा करोड़पति में भी श्याम दिखाई दिए थे, जहां उनके कामों की तारीफ हुई थी। इतना ही नहीं, मुंबई में 2018 में आयोजित न्यू इंडिया कॉन्क्लेव में मशहूर अभिनेता अक्षय कुमार भी इस गांव की तारीफ कर चुके हैं। आज पिपलांत्री गांव की कामयाबी दूसरों के लिए मिसाल है। जिनके पास मजबूत हौसले और ईमानदारी से कुछ करने की चाह हो, वे इस आदर्श गांव से सबक ले सकते हैं। आप हमारे संतवाणी चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले।